नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। जी दोस्तों, मैं कई दिनों से दोस्तों प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। अभी कक्षा 10वीं का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको वार्ड सचिव के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों कि आखिरकार वार्ड सचिव का क्या होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पुराने वाले वार्ड सचिव हैं अपना हक मांगने के लिए अभी भी तैयार हैं दोस्तों, अभी भी रेडी हैं दोस्तों, अभी भी उच्च न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 9 मार्च 2022 को यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिरकार जो बकाया राशि है दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिवों का, उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार पुराने वाले वार्ड सचिव कैसे हटाए जाएंगे दोस्तों, और किस प्रकार से उन्हें जो है ज़्यादा मात्रा में बिहार सरकार पैसे देने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहार में लगभग में हर एक पंचायत में नए वाले वार्ड सचिवों का चयन हो चुका है, उसके बावजूद दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिव हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों का जो काम है उनका हक मिल सके, क्योंकि उनका भी बहाली मैट्रिक के आधार पर हुआ था दोस्तों। नए वाले बहाली लगभग 1 लाख से अधिक दोस्तों हो चुका है, और हो भी रहा दोस्तों कहीं कहीं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 मार्च 2022 को सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय का फैसला आएगा कि आखिरकार पुराने वाले वार्ड सचिवों का जो मासिक वेतन बाकी है वह कैसे मिलेगा और कब मिलेगा दोस्तों। आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिव आपको वीडियो मिलते रहे दोस्तों, सूचना मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पहले सबसे वीडियो हमारी जाती रहे। ठीक है, मुखिया हो गए और सरपंच हो गए दोस्तों, और पंचायत में 2 कूड़ादान। जी दोस्तों, प्रत्येक वार्ड में 1 कूड़ेदान का व्यवस्था किया गया है। जो नली है, चाहे मान लीजिए गंदगी हो, चाहे आपको कूड़ा करकट दोस्तों, सभी को उठा करके उस कूड़ेदान में डालना है, और स्वच्छ गांव बनाना है दोस्तों। जी दोस्तों, अपने पंचायत में स्वच्छ घर स्वच्छ गांव बनाना है, ये सरकार का फैसला है। इसमें लगभग में दोस्तों आपके पास 1 लाख का फंड आ चुका है। 1 लाख के फंड में दोस्तों लगभग में मुखिया और वार्ड को काफ़ी फायदे होने वाले हैं। आप जाकर दोस्तों अपने ब्लॉक में पता लगा सकते हैं दोस्तों, ये प्रत्येक जो है घरों में प्रत्येक पंचायत में दोस्तों आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और वे चाहते हैं कि हमारा जो बिहार राज्य है वो आगे जाए, और प्रत्येक जिलों स्तर में जो है अच्छे काम हो पाए, और सिंचाई की व्यवस्था हो पाए दोस्तों, और हमारा गांव, हमारे पूरे बिहार के गाँव पंचायत स्वस्थ रहे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 9 मार्च का इंतजार कीजिए। 9 मार्च को आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि बिहार में पुराने वाले वार्ड सचिवों का आखिरकार उनका हक कब मिलने वाला है। ठीक है।